श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना फरीदाबाद द्वारा गांव छायसा के युवा साथियों के साथ आज एक मीटिंग रखी गई, जिनमें गांव के युवा साथियों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया कि गुर्जर नेताओं द्वारा राजपूत शासक प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज व दिल्ली के शासक महाराज अनंगपाल सिंह तोमर जी को गुर्जर शासक बताकर उनकी मूर्तियों का अनावरण गांव अनंतपुर फरीदाबाद में सांसद कृष्णपाल गुर्जर द्वारा 8 अगस्त 2021 को कराया जा रहा है, जिसको लेकर राजपूत युवाओं में भारी रोष व क्रोध है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना युवा सोच ग्रुप भगत सिंह ग्रुप और गांव के 36 बिरादरी से समस्त युवा भाई मौजूद रहे व समाज के कई संगठनों द्वारा एक रणनीति के तहत इस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। सरकार व प्रशासन से ये भी मांग की जा रही है कि ऐसे संगठन और नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चौहान है, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जिला व संभाग अध्यक्ष हूँ फरीदाबाद से। विकास जी, आज इतनी तादाद में आप इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मसला है? मसला ये है जी, गाँव अनंगपुर के अंदर गुर्जर समाज द्वारा जो है महाराज अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, और महाराज महीर बोध जी जो गुजरात के शासक थे, ये दोनों ही राजपूत शासक हैं और गुर्जर समाज ने काफ़ी टाइम से गुर्जर बताने की जो है कोशिश में लगा हुआ है। तो 8 अगस्त को ये अनंगपुर गांव के अंदर इन दोनों की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं, जिसका राजपूत समाज पूरे जोर से विरोध कर रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, जो दुख की भी है, कि फरीदाबाद के जो सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, वो खुद इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकेत भाटी छायसा है। और देखो, आज जो हमारा कुछ युवा साथी इकट्ठे हुए हैं गांव छायसा से, और उनकी एक ही राय है कि मूर्ति लगाओ, कोई विरोध नहीं हमारा, लेकिन जो मूर्ति लगनी चाहिए वो हिंदू के नाम से लगा दो, हिंदू सम्राट के नाम से लगा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये गुर्जर जो शब्द लग रहा है, अगर लगा भी रहे हो तो तथ्यों के आधार पर लगाओ, वैसे नाम लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इससे भाईचारा बिगड़ रहा है, क्योंकि फरीदाबाद एक भाईचारे के लिए जाना जाता है। हम नहीं चाहते कि आगे इस चीज़ में कोई कोलैप्स हो और आपसी भाईचारा बिगड़े। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर रूपास भाटी है, मैं गांव छायसा से हूँ। ये जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और मंत्री जी के जो संवैधानिक पद पे कृष्णपाल गुर्जर जी, जिनको हमने इतने बड़े पद पे बैठाया है, पिछली बार भी 2014 में हमने उन्हें भारी मतों से जिताया था, इस बार भी हमने उन्हें 5000 वोट गाँव छायसा से देकर संवैधानिक पद पर बैठाया है, और इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी वो इतिहास से छेड़छाड़ करने दे रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम मंत्री जी का और बीजेपी पार्टी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ होगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे और पूरे तरीके से।